now is we have the Q&A after this. Thank you guys. Thank you so much. Guys, can we have a round of applause for them, please? Thank you. I was hoping they do the Q&A and we avoid the bad Q&A. Yeah, like how did you feel? How was all right? Okay, Anurita and Ratan, please join us back on stage here. Come. Wanna sit? That's fine. And the forum is now open for Q&A. If you have any questions, please raise your hands. And they'll be able to answer your questions. Please introduce yourselves before asking the question. Thank you. Hi, Arjun. Yahan par ekdam piche. Suman. Suman from Lahore. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Bahut fresh lag rahe ho aaj. Kya baat hai? Thank you. You're the second person to say that. Kafi achhi stubborn aapne usko acche se ekdam clean kiya hai, trim kiya hai. Kitna waqt lagta hai trimming mein aapko? Sirf iski wajah se. Philips ko chhodiye, agar Philips ke alawa agar aap trim karte baithte hain. Jaisa main keh raha tha, I'm very impatient when it comes to the way I look. To main 2-3 minute mein stubble trim kar deta hu. And I traditionally, actually it's a secret, main aapko batata hu. Main जब रात को घर पहुंचता हूं मैं रात को ट्रिम करके सो जाता ताकि सुबह उठूं तो टाइम ना वेस्ट करूं ट्रिम करने में. ये मेरी ऊट पटांग एक चीज है जो मैं करता हूं. आई ट्रिम एट नाइट इवन व्हेन आई एम शूटिंग. हमें क्या है फिल्म के लिए लुक मेंटेन करनी पड़ती है कंटिन्यूटी. तो मैं हमेशा रात को जब नहाने के पहले ट्रिम करता हूं, नहा के फिर सो जाता हूं. दैट्स अ ट्रिक दैट आई हैव लर्न व्हिच हेल्प्स यू मेंटेन द स्टबल विदाउट इट लुकिंग कि आज बहुत कोशिश की है कि दाढ़ी एकदम चकाचक बने. अच्छा, आपके चाचू को आपने कुछ ये टिप शेयर किए हैं या फिर उन्होंने आपको कुछ वैक्सीन? मैं कौन होता हूँ, द बेताज बादशाह, जो बेनाम बादशाह है दाढ़ी के, जिन्होंने आई थिंक ही इज द फर्स्ट एक्टर हु इंट्रोड्यूस द मुस्टैश टू आर मेन स्ट्रीम कमर्शियल हिंदी फिल्म हीरो. तो उन्हें क्या बताऊंगा मैं, क्या टिप्स दूंगा. ही इज बीन आइकॉनिक विद हिज स्टबल एंड हिज मुस्टैश. अच्छा, ये स्टबन की बात हो रही, तो आज तक किसी गर्लफ्रेंड को आपके स्टबन चुभे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा था, आज तक मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया किसी को. मतलब चुभे नहीं है इसका? नहीं. मतलब क्लीन शेव करके ही गए हो हमेशा? जी, क्लीन शेव में ही गए हो हमेशा? क्लीन शेव में गया हूँ. कहाँ गया हूँ? आपकी गर्लफ्रेंड के पास? नहीं नहीं, उनको दाढ़ी नहीं चुभती. ये दिस इज आई थिंक दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि वुमेन डोंट लाइक द स्टबल या चुभती है. आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया इवन व्हेन आई हैव बीन विद अ स्टबल. यू डोंट लाइक इट? चलिए मैम, आपकी और मेरी जोड़ी तो नहीं बन पाएगी फिर. ठीक है, वुमेन हैव टू एक्सेप्ट मी विद माय स्टबल. सॉरी, वन रिक्वेस्ट हियर, कैन वी प्लीज रिस्ट्रिक्ट द क्वेश्चंस ओनली टू टुडेज इवेंट? काइंड रिक्वेस्ट. चलिए अगला सवाल. अर्जुन, सिंस यू सेड यू स्टार्टेड ट्रिमिंग फ्रॉम द एज ऑफ 15, आप स्माइल कीजिए ना. क्यों, क्या हुआ? नहीं, आप हमेशा सीरियस सवाल पूछते हैं. सिंस यू स्टार्टेड ट्रिमिंग, यू सेड एट द एज ऑफ 15, सो अनडिनाइबली वी कैन से यू वर हेयरी. आई स्टिल एम. नहीं, यूजली बच्चे जब होते हैं ना, जब नहीं होता है तो दे कीप ट्राइंग, लाइक दे हैव द फियर कि यार मेरे को ये दाढ़ी होगी कि नहीं होगी. मतलब अब एग्जैक्टली याद नहीं कितना हेरी था, पर आई एम श्योर मैं हूँ, अनिल कपूर का नेफ्यू हूँ तो समझदार को इशारा काफी होता है. आई वॉज रिलेटिवली एट अ यंग एज. बहुत अजीब, दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन टुमारो. आई वॉज हेरी एट द एज ऑफ 15. मतलब जो लड़कियां शायद कभी लाइफ में मिलने आती वो ये सोचे कि अच्छा 15 साल की उम्र से बाल थे इसके बाद. Okay, since you were talking about metrosexual men, so what do you do usually? How many times do you trim your pedicure and manicure?